वो अवगत परमात्मा री जो कुदरत कला है बिन कुन समझेला के कोई संत कोई भगत और कोई सूरवीर। अभी में मापुरु सूरवीर किन बतायो सुनो, सूरवीर किन बतावा रहा है वो फलानो आदमी सूरवीर करो कोई लड़ाई कर ले वे पर लड़ाई कर ले जन कहे को सूरवीर है वो तो काई रही। छोटी बात माते कोई लड़ ले वे कोई नहीं गलत बोल दे वे सजनो बीरू काई संसार में कोई नहीं है। सूरवीर कौन है दरियाव साहिब लिखे हो कि दरिया सो सुरा नहीं जिन दे करी चकचूर मन को जीत खड़ा करियार वही है बलिहारी सूर। वही सूरवीर है जिको अपना मंदरे माते विजय पाई। तू सजनो ये अवगत परमात्मा रे मालिक रे साहिब जी जो लीला कौन समझे लो कोई अपना मंदरे माते विजय करी है वही। भगवान कृष्ण गिया दुर्योधन कने रे दुर्योधन तू पांच गांव तो पांडव लोगा ने दे दे और बाकी गांव सब थारा और आपस में लड़नो झगड़नो ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है। तो दुर्योधन काई बोलियो तब दुर्योधन काई कहवे के भूमि नहीं देऊं सुई रे नाके रण संग्राम विचारो सत्री कुल रोई धर्म है कोई जीतो और कोई हारो। क्यों मारो तो ये धर्म है सत्री कुल रो चाहे कोई जीतो और कोई हारो आओ युद्ध कर लो। तो भगवान बोलिया रे ओ सत्री धर्म नहीं है ये तो कायरता है ये तो विनाश रो काम है। भारत नहीं भलो दुर्योधन मन में समझ विचारो टूक टूक सिर कटे धरनी पर लट खांडो चले दूधार। अरे ये तो कायरता है सजनो कोई कहवे और आतो आत रीस कर लेवे कोई रे केणो ऐसे आदमी क्रोधित वे जावे तो देख लेनो ओ कायरता रो प्रतीक है वो सूरवीर नहीं। सूरवीर तो वो है जो सहन करे और सहन करनो पड़ी सजनो जीवन है और मानस जीवन में कई चीजें सहन भी करनी पड़े है ना। तो मन में जो ऐसे अपने वश में करे तो वो ही सूरवीर बताए जे कोई लक्षी संत सूरमा नूरा में नूर समाई। तो लिखे जैसे चंदा उदक में दरसे यूं साहिब सब माई दे चश्मा देखो गढ़ भीतर तो नूर निरंजन वाई। जद आत्म बोध वे जाई सजनो जद हर घट में परमात्मा ही परमात्मा निजरा बा लाग जाए चारों तरफ दे चश्मा यानी ज्ञान दृष्टि रो चश्मो वे दिव्य दृष्टि खुली जिस दिन सब मिनखा में राम जी दिखन लग जाए। वेर विरोध राग द्वेष ये नहीं रहे जैसे उदाहरण दे कोई आदमी हो जो भैंस ले रहा है वह भैंस कहीं के महाराज लीलो चारो चिरुड़ी हो रही जीवड़ी भाई कोई टुबेल हीर रिजका इजकार पूरो सब व्यवस्था ही बिरे बिर खेत में बा चिरुड़ी बूठे रियोड़ी बिन कोई गरीब आदमी किसान आदमी मोल कर लियो तो बिर घरे तो खाक लोर कुतर थोंतड़ा रे हाजन ठंटा है बा तो लीलो खायोड़ी बिने तो भी मुंडो ही कोन गाले रे बा कोई ज्ञानी आदमी वो संत साधुता कोई बेंगन गयो वो किसान क्यों महाराज कहीं करूं क्यों आ तो लीलो खायोड़ी है जो कोई रामे तो कुतर ने कहा जो कोई ने तो भावी जो कोनी आ तो हम ही कौन देखे अब करा नहीं लीलो लामा कटू और भैंस राख नहीं तो संत क्यों भाई एन करके एक चश्मो लिया है इनको जिकारा काश लीला वे वो लगाई दे ही रे उदाहरण है सजनो तो लीलो चश्मो लगाई दे जने ने वो तो कुतरी लीली दी की और तूंद रही लीला दी की और वो जो भी है वो लीलो लीलो दी की तो वास्तव में वो जैसे चश्मा लगाए तो बिना तो वो जो लीलो दीप वाला बात तो सत्य ये उदाहरण है सजनो ध्यान दीजिए ना बीच में दृष्टांत भी देना जो है तो वो लीलो दीप वाला तो अजीमन होगी। तो सजनो ऐसे ज्ञान दृष्टि रा जो चश्मा देखे थे रातो भी तो वो लीलो लीलो दीप वाला सब मेरा ही देखे जैसे नामदेव जी की मैं राम जी देखिया कुत्ता में राम जी देख लिया अब इन्हें तो गाय ने बाद बाढ़ ही कन्नबाई लीली दीखवा लागू अरे क्यों मरा जाता बाढ़ ही खावा लागी
अबे कहीं करा सर महाराज की भाई जड़ तही तो वो चरे जड़ तही तो इन राग में भज उतार देनो और तो तो सजनो फिर तो जैसे भी ने बाड़ी लीली थी बा लागी जन वो चारों कहीं सजनो बाड़ी खावणी हरू कर दी तो नामदेव जी तो मिन काम में कहीं वजदी कण ढूका बजे कुत्ता में ही राम जी दी दिया तो लिखे कि दे चश्मा देखो गढ़ भीतर तो नूर निरंजन वाई साधु भैया उगत लख्यो नहीं जाए तो लिखे उरा से उरा और दूरा से दूरा पास में है जिका के तो ये भरम लिटता ही तो फिर पास है और दूर है जिका वास्ते लाखों कोस दूर है मीरा ने कियो कि थारो राम जी है कटे तो मीरा काशी मथुरा द्वारका वृंदावन नहीं बतायो मीरा के मारो तो सांवरियो गटगट में बोले और थारे यारी कहीं फूटी तो सजनो वास्तव में ही जदे सो आत्म बोध जावे जिस दिन महात्मा लिखे उरा से उरा दूरा से दूरा अरे हिरदारे माई सपना में नार गमायो बाड़ो पर जाग पड़ी तो वाई सपना में नारी अपना पुत्र ने गमाई दी माता जाग पड़े तो पास में सुतु सजनो में और चरण में भूल गो अंतिम चरण यह है कि ममता मेट मिलो मोहन से गुरा से गुरगम पाई के बना नाद सुनो भाई सब तो अब कछु धोखा ना ये से नाद संत या बहुत बड़ा है तो सजनो परमात्मा तो भीतर ही बैठो है पर वीरो साक्षात्कार कैसे वे लो सत्संग बाणी वचन राम जी का नाम लेना।